Wait a second, I don't need you. Then why so settled? I miss withdrew. Still it feels just like I'm waiting for something better. Wait a second, I wanna stay up late with my heart in your head. Maybe stare too much cause you don't understand. You got me gone, you don't understand. You got me gone. But sometimes I might be a bit selfish when you're way too humble. Might be overzealous, getting you in trouble. Cause I'm a little bit unsteady, even a little bit mad. Might be a disaster, or just the best you've ever had. Or just the best you've ever had. Assalamu alaikum, Khwaja bhai. Walaikum salam, Niranjan. Welcome back to Discuss Ninja, sir. Thank you. सर, आज का स्टॉक कवर करने के पहले सर एक मेरा एक छोटा सवाल है आपसे. जो पिछले साल जो डिस्कस शो टाइम 2022 कंपटीशन हुआ था और जिसमें आपने दो प्राइजेस भी जीते थे, तो सर उसका इंपैक्ट, उसका बेनिफिट इंडियन मार्केट, इंडियन हॉबीज, इंडियन ब्रीडर, ये सब पे क्या हुआ है, वो आपके आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा सर इसके बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल तो निरंजन सबको क्यूए डिस्कस और कलंदर एक्विटिक्स की तरफ से ईद मुबारक सारे लोगों को. जी जी. और अब आते हैं टॉपिक के ऊपर. जैसे आपने पूछा कि उससे बेनिफिट्स क्या हुए थे, जैसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं, तो डिसएडवांटेज मेरी नज़र में तो ऐसा कुछ भी नहीं था. जी. इंडियन डिस्कस मार्केट को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बोलते हैं ना, लोग जानने लगे. जी सर. जी. और प्लस उसका बेनिफिट्स अगर जैसे हम लोग देखने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारी शो ग्रेड डिस्कस थी. जी. वहाँ पर विजिटर्स थे, काफी विजिटर्स आए उन लोगों को. जैसे एक जगह पर एक रूफ के नीचे सारी शो ग्रेड डिस्कस, सारी हाई क्वालिटी डिस्कस देखने का मौका मिला. जी जी. अलग अलग जगह जैसे डिस्कस के अंदर ये भी प्रिकॉशन लिया जाता है कि लोग हर हैचरी पे नहीं विजिट कर सकते. जी. और सम जैसे इश्यूज आ जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह का, तो वो अलाउड नहीं करते. जी. तो उसके चलते वहां पर सारे लोगों को देखने मिला, क्वालिटी में डिफरेंशिएट कर पाए. जी. जो रेगुलरली इंडिया में जनरेट हो रही है प्रोडक्शन, जो ब्रीड हो रहा है, उसके अलावा शो ग्रेड क्या होता है. जी. जैसे बाहर से और ब्रांड के डिस्कस भी आए थे, इंडिया के भी अच्छे अच्छे ग्रो किए हुए डिस्कस थे. जी. तो उन सारी चीजों को लोगों को डिफरेंशिएट करने का मौका मिला. जी सर. ये शो ग्रेड एक्चुअली क्या होता है. और ये जैसे बहुत सारे हॉबिस्ट हैं जो वहां पर विजिट किया. अब जैसे नॉर्मली वो लोग डिस्कस रख रहे हैं, दे आर हॉबिस्ट, वो लोग हॉबी कर रहे हैं, बट नॉर्मली दे आर जस्ट गोइंग एंड परचेसिंग फ्रॉम एनी शॉप्स. जी सर. जी. तो उन जैसे शॉप्स के अंदर वो चीजें मेंटेन होना बहुत मुश्किल होती है, जो डिस्कस को एक बहुत रेगुलरली एक नीड होती है. उसका टाइम टाइम से जो है ब्रशिंग होना चाहिए, पोटेशियम होना चाहिए, डीवॉर्मिंग होना चाहिए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना. जी सर. तो वो सारी चीजें एक नॉर्मल शॉप्स वगैरह में बहुत डिफिकल्ट होती है, बहुत कम लोग वो मेंटेन कर पाते हैं. जी. और जैसे डिस्कस का एक डिफरेंशिएशन बोलते हैं ना कि लोगों को शो ग्रेड एक्चुअली क्या होता है, वर्ल्ड में क्या स्ट्रेन जनरेट हो रही है. हाँ सर. और नया नया स्ट्रेन क्या लोग मेहनत करके डेवलप कर रहे हैं. हाँ. वो सारी चीजों भी देखने मिली. अलग अलग बड़े बड़े ब्रीडर्स के नाम लोगों को मालूम पड़े, ये इसका ब्रीड क्या मच्छी है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से आई थी. जी सर. जी. तो एक तो वो चीज हो गई. एंड मैं बोलूंगा उस शो के जरिए जैसे लोगों ने क्वालिटी फिशेज देखे, तो उससे एक इम्पैक्ट तो सबसे बड़ा ये है कि हॉबी के अंदर जो एक एडवांटेज है. हाँ सर. वो लोग फिश को लेकर के बोलते हैं ना कि ठीक है डिस्कस की हॉबी तो कर रहे थे, लेकिन अब हॉबी जो है वो क्वालिटी की तरफ बढ़ रही है. जी बिल्कुल. ना कि सिर्फ फिश रखना ही हो गया, मतलब वो क्वालिटी की तरफ जाएगा. एग्जैक्ट. लोगों को प्राइजेस भी मालूम पड़ रहा है कि मतलब हाँ, अगर अच्छा क्वालिटी चाहिए, हाई क्वालिटी चाहिए, जैसे लोग प्योरली ब्रीड कर रहे हैं, जेनेटिक्स पे काम कर रहे हैं, तो उनका चार्जेस भी हाई होगा. नॉर्मली आप देखोगे इंपोर्ट्स वगैरह में तो प्राइसेस हाई होते हैं. जी सर. जी. एक बेनिफिट वो था. दूसरा बेनिफिट वहां पर लोगों को अलग अलग जैसे ब्रांड्स हैं उनके फूड्स के बारे में मालूमात मिली. जी सर. रीडर लोग भी और अलग अलग चीजें जैसे जो फूड्स वगैरह है पैलेट्स के अंदर, जर्मनी का हो गया और अलग अलग ट्रॉपिकल हो गया, डिस्कस फूड हो गया, एंड्रूसो के कुछ प्रोडक्ट्स थे, वो सारे हो गए. वो लोगों को एक रूफ के नीचे सारा डिस्क्रिप्शन देखने मिला, सारे एक्सप्लेनेशन मिले, उनका एडवांटेज डिसएडवांटेज बेनिफिट सारा कुछ देखने के लिए मिला. जी सर. तो वहां से वो मार्केट भी बूस्ट हुआ. जी.
ब्रीडर्स भी ट्राई करने लगे एज वेल एज हॉबिस्ट, लोग रिव्यू दे सकते हैं एक दूसरे को, इसका एडवांटेज है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है जो भी है, वो एक चीज हो गई। दूसरी चीज, हम लोग सारे ब्रीडर्स जितने भी है ऑल ओवर इंडिया, बहुत से लोग आए, इंट्रैक्शन हुआ, बहुत से लोग एक साथ में, लोगों का नॉलेज शेयर हुआ जी सर, जो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है, लोग अपने बारे में सारी चीजें बताए जी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट, ये सारी चीजें एक्सचेंज हुई। प्लस जो सेमिनार हुआ, सेमिनार के अंदर सबसे पहली चीज तो ये है कि डिस्कस मार्केट के अंदर जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, काफी सारी प्रॉब्लम आती है नॉर्मली। हाँ सर, तो मोस्टली अगर आप देखोगे अब से लाइक इससे थोड़ा पहले बोलूंगा, डेढ़ दो साल पहले तक तो कोई किसी को एक प्रॉपर मतलब मेडिसिन, परफेक्ट मेडिसिन बताता नहीं है, और अगर बताता है तो ये भी चीज आप याद रखिए, वो मेडिसिन उसकी मच्छी को सूट कर रहा है तो जरूरी नहीं है वो आपकी मच्छी को भी सूट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि आपके यहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो अलग है, उसके जो है वो अलग है जी सर, तो ये चीज का भी डिफरेंशिएशन होता है। तो उसके लिए एंड्रूसो का बुक भी था, तो बुक से भी काफी लोगों ने बुक लिया, उससे भी नॉलेज मिली जी सर, और आगे की तरफ डेवलपमेंट की तरफ ये मार्केट जो है बढ़ रहा है जी स्लोली स्लोली। और जैसे मेडिसिन हो गया, तो सेमिनार में बहुत सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया एंड्रूसो ने, उससे भी काफी नॉलेज मिला लोगों को जी। और उसके बाद में जैसे लोगों के अंदर एक जज्बा आ गया, अब करना है तो क्वालिटी करना है बिल्कुल, वरना मार्केट में टिकना सॉरी इम्पॉसिबल जी जी। अब करना है तो क्वालिटी ही करना है जी, तो वो एक बहुत बड़ा ये देखने के लिए मिला कि लोग प्योरिटी पे काम करना शुरू कर दिए, लोगों ने अच्छे स्ट्रेंस को लिया कलेक्शन में, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि पहले में ही होता था उतना ज्यादा। और ऐसे है तो बहुत सारी चीजें, बट फाइनली एक लास्ट में एक सिंपल लाइन बोलना चाहूंगा कि ये शो होने से पहले आप कहीं पर भी देख लो, YouTube में देख लो, Facebook में देख लो, चाहे कहीं पर भी देख लो, इंडियन इंडस्ट्री में डिस्कस की कहीं पर भी ये सारे वर्ड्स यूज नहीं होते थे, शो ग्रेड जी जी, बट ये शो होने के बाद में आप देख लीजिए आज लोग ला रहे हैं अच्छे से अच्छे डिस्कस ला रहे हैं इंडिया में, और कोशिश भी ये कर रहे हैं कि लोग शो ग्रेड के पीसेस जो होते हैं पर्सनली वो कलेक्शन में लेकर इंडिया में इम्पोर्ट कर रहे हैं, ताकि इंडिया के हॉबिस्ट लोगों को भी शो ग्रेड की फिशेस प्रोवाइड की जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रीडिंग में भी अगर हम शो ग्रेड की मच्छियां लेते हैं, उनको ब्रीड करते हैं, तो डेफिनेटली उनका जो भी आउटपुट होगा जी वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा। मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल करके, जो हैकल क्रॉस का मेरा मेल जीता था जी सर, जो प्राइज मिला था उसको ओपन कैटेगरी में, मैंने उसको रॉयल फ्लोरा के साथ क्रॉस किया है जी जी, बच्चों में बार नहीं आया, सो आई कैनॉट कंसिडर देम एज अ हैकल क्रॉस, ओके, बट आप शेप देख लो मच्छी के जी जी सर, पैटर्न देख लो, लाइक दे आर वेरी ब्यूटीफुल, मैं आपको दिखाऊंगा। अब चलते हैं हम लोग अपने स्टॉक कवर करते हैं। सर एक छोटा और भी पूछना था सर, काफी हॉबीज एक्सपेक्ट कर रहे ये साल का कॉम्पिटिशन, तो आप खुद एक वर्किंग कमिटी के मेंबर है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर ये साल भी कॉम्पिटिशन? देखिए कोशिश तो सारे लोग कर रहे हैं जी सर, जैसे ये होना तो था जून में, बट किसी रीजन से और भी शोज थे तो इसको पोस्टपोन किया गया जी जी सर, अगस्त सितंबर के आसपास में या अक्टूबर के आसपास में प्लान हो रहा है। ओके ओके ओके, अभी धीरे धीरे इसका इनिशिएटिव शुरू हो जाएगा जी जी, और बहुत से लोग हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं जी एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन, और जरूरी नहीं है कि आप इसके अंदर फाइनेंशियली कॉन्ट्रीब्यूट करो, बट जैसे एज अ वर्किंग कमिटी मेंबर जी, और दूसरी बहुत सी चीजों के जरिए आप आपकी हॉबी के लिए बहुत कुछ कर सकते हो जी जी सर, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत से बॉम्बे के ब्रीडर्स है, रेजर्स है, लाइक नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग हैं जी जी सर, सब जन आगे आइए, क्योंकि ये सबकी मेहनत से ही लास्ट ईयर का जो एक बेंचमार्क सेट किया गया है बिल्कुल, वो सबकी मेहनत से था जी, और अगर हम लोग डेढ़ महीने दो महीने के प्रिपरेशन में वो कर सकते हैं जहां पर हमारा इंडिया का नाम हो गया जी सर, तो आप सोचो कि अभी तो फिलहाल चार महीना है, तीन चार महीना जी जी, और हम लोग उस अपनी जो लास्ट टाइम की कमियां थी उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं बिल्कुल, और उसके बाद में मतलब कुछ और अनदर लेवल का शो कर सकते हैं, लाइक मतलब बोलते हैं ना कि नॉट बहुत ग्रैंड नहीं करना है जी, बट करना है जी, वो ज्यादा जरूरी है। तो मैं सबसे इस चीज की रिक्वेस्ट करूंगा, सारे जितने हॉबीस्ट है, ब्रीडर्स है, ट्रेडर्स है, जो कुछ भी है, जो भी आपके जिस तरीके से आप लोग कर सकते हो इसमें आगे आइए, पार्ट लीजिए, कंट्रोवर्सीज को साइड में रखिए, इंडिया को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे खड़ा करना है, और ये किसी अकेले इंसान की बस की बात नहीं है या कुछ लोगों के बस की बात नहीं है, हमें क्वालिटी क्रिएट करनी है, क्वालिटी प्रोडक्शन लेना है,
और उसके लिए लाइक एक दूसरे से मिलना जुलना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है और नॉलेज शेयर होनी चाहिए, शो होने चाहिए क्योंकि ये होता रहेगा कि आप अब्रॉड में देखोगे तो लाइक बैक टू बैक दे आर डूइंग द शोस। जी जी सर, अभी जैसे अनिल भाई भी गए थे वहां पर और उनको वर्किंग कमेटी के लिए भी बुलाया गया, कॉन्ग्रेचुलेशन उनको बहुत इस चीज के लिए। तो वैसे शोज इंडिया में बैक टू बैक तो होंगे इन फ्यूचर, इंशाल्लाह जरूर होंगे जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये साल के शो के लिए बहुत सारी चीजें हैं जैसे बोलते हैं ना कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज उनको छोड़कर प्लीज आप लोग सारे लोग आगे आइए। जी सर, आप यूनाइट हो जाएंगे, यूनिटी हो जाएगी तो शो शायद हो सकता है कि जो पिछले साल हुआ था उससे बहुत और बहुत ज्यादा ग्रैंड हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिलहाल अपनी हॉबी पे ही फोकस करते हैं, दूसरी सारी चीजों को छोड़ करके बिल्कुल, और अगेन एक बहुत बड़ी मेमोरी क्रिएट करेंगे हम लोग मिल करके बिल्कुल, और वो इंशाल्लाह दुनिया देखेंगे इंशाल्लाह। आइए अब देखते हैं अपना स्टॉक कवर करते हैं। ये जो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको ये सब मेरे ब्रीडिंग स्टॉक का कलेक्शन है। ओके, जैसे ये कुछ पीसेज है जो ये बचे है मेरा ब्रीडिंग पेयर्स निकालने के बाद में। ओके, तो हम लोग एक झलक दिखा देते हैं। जी जी सर, ये जो भी आप देख रहे हो ये सारा इम्पोर्ट का मेरा स्टॉक है, ऑलरेडी ब्रीड भी हुआ है। ओके, वहां पर जैसे कुछ जगह शॉर्ट है तो मैं इधर ही रखा हूँ, और फिलहाल अभी रिसेंटली क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके चलते ज्यादा पेयर्स नहीं मैंने निकाला, लिमिटेड ही निकाला हुआ। जी जी सर, सर आपने मुझे अभी थोड़ा टाइम पहले बताया था वो रिवर्स, वो कॉन्सेप्ट मैं जानना चाहूंगा आपसे कैसा होता है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ना विरंजन, कोई भी हैचरी ऐसी नहीं होगी या कोई भी ब्रीडर के पास में ऐसा स्टॉक नहीं होगा जिसके पास फिशेस खराब नहीं होती है डिस्कस में। जी जी, मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और मैंने जितने भी देखे हैं तो हर किसी के पास में ये होता है। मोस्टली जैसे जब ठंडी आ जाती है, ठंडी के अंदर डिस्कस के अंदर बहुत दिक्कत आती है, फीडिंग में प्रॉब्लम आती है, इश्यूज आती है, तो उसके चलते बहुत से फिशेज ऐसे होते हैं जो 6 इंच के होते हैं ना वो 5 इंच हो जाते हैं, 4 इंच क्योंकि वो फीडिंग छोड़ देते हैं, बहुत फीडिंग हो जाते हैं। बट स्टिल मैं फेंकता नहीं हूँ मेरी मच्छियों को, उनको रखवा कर रहा हूँ। जैसे आप देखोगे इसके अंदर एक ये फीमेल देखोगे आप, स्नोई रप्शन का फीमेल है ये जो इधर पे, वो ऑलरेडी मेरे पास ब्रीड हो चुका है इसमें। okay. और एक आध मच्छी है वैसी। okay. तो मैंने रखा है मेरे कलेक्शन में। okay. और मैंने ट्रीटमेंट किया है, नाउ दे आर ईटिंग फाइन। ओके, और वापस रिकवर कर जाएंगे इंशाल्लाह तो जरूर ब्रीड होंगी, नहीं तो जब तक है मेरे पास रहेंगी। जी जी सर, मैं जैसे डीवर्मिंग भी मैं एवरी 35 डेज टू 40 डेज कंपलसरी है मेरा, वो वो भी करता हूँ। फीडिंग्स वगैरह में भी जो ब्लैक वर्म ये वो मैंने जैसे बताया था, डिस्कस फूड के पैलेट्स हो गए, ब्लैक वर्म हो गया, अभी एक पैलेट्स आया है इंटेन का जो फॉक्स वर्म बॉल है, मैंने उसका एक, मेरी वाइल्ड एंजल्स जो है वो भी पागल जैसे खा रही है, मैंने उसका भी रिव्यू डाला था। जी जी जी, वो भी अच्छा, डिस्कस भी मेरे एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो भी अच्छा फूड है। जी जी, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर भी कुछ बैलेंस पीसेज है जो मेरे, ये सब सेल के लिए नहीं है, बड़ा चाहिए। ओके, जितने भी आप देख रहे हो ये सब मेरे रेड वैलेंटाइन है ना सर? हाँ, वो सुपर रेड वैलेंटाइन। सुपर सुपर सर, इसके अंदर भी कुछ पीसेज है, आइका है, रेड कवर्स है। जी जी जी, ये सर, ये मेरा लास्ट वीडियो में नहीं होगा जैसे मैंने इसमें कुछ इरप्शन की 2 लाइन ली है। ओके, बाद में क्रॉसिंग के हिसाब से ये सामने इरप्शन है, उसके ऊपर भी वो भी इरप्शन ही है। ओके, और ये फीमेल आप देख रहे हो वो मैंने हैकल के मेल से क्रॉस की थी, जो फ्लोरा की फीमेल है। ओके ओके, आईपी की अनिल भाई से लेके मैंने रेस की थी, ये स्लो इरप्शन। स्लो इरप्शन जी, ये सर, ये सब भी सर एक्स्ट्रा पीसेस, ये सब ब्रीडिंग के लिए रखे हुए, और वो हैकल क्रॉस का मेल है जो मेरा शो जी था, वही मेल है अभी भी मेंटेन हो रहा है। सर, ये भी सब वही ब्रीडिंग के हिसाब से सब लिया हुआ है कलेक्शन। okay, okay, okay. येलो का एक नया कलेक्शन लिया है मैंने, और ब्रीडिंग सुपर। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जो भी हमारा प्रोडक्शन है। ओके, जो हमको सेल करना है वो दिखाएंगे। लूसी रेड है सर? हाँ, ये लूसी रेड लॉरेंस जो है, ये उसके बच्चे सुपर है सर, वो अपने यहाँ पर ही रेज हुआ है पूरा, शेप भी माशाल्लाह सर बहुत मस्त शेप है। कलर फीड, एक राउंड कलर फीड दिया है मैंने। ओके, बस ये सेल के लिए है ना सर? हाँ, सेल के लिए ये अवेलेबल। क्या साइज लगेगा सर? ये 2.5 इंच बोल सकते हैं, 2.5 से 2.5-3 इंच और भी है मेरे पास, मैं दिखाऊँ ऐसे बड़ा साइज भी है। जी 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 सर, ये सर ब्रिसल रोज। हाँ, ये सब मेरा ब्रीडिंग का ये सेटअप है, ये L144 SP गोल्ड है। ओके, इनका भी ऑलरेडी ब्रीड लिया हुआ है मेरे पास, काफी बच्चे हैं, मैं वो भी सब आपको आगे दिखाऊंगा। जी जी सर, उसके बाद में ये ब्लू वाइज है,
ब्लू आइज सुपर लॉन्ग फिल्म ब्लू आइज है। ओके 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 खरीदा ऐसे ब्रीडिंग सेटअप रहता है। हाँ ये अभी तो सेट नहीं किया, अभी सीजन चेंज हुआ है तो कर रहे हैं। और इसके अंदर एक बहुत रेयर वैरायटी है L519 जी अच्छा हॉर्स बहुत शाय है, बहुत रेयर वैरायटी है वो। जी जी मिलता नहीं है वो, मिला मुश्किल से 7 पीस तो मैंने ले लिया। ओके ओके दूसरा स्टॉक इधर देखते हैं चेकरबोर्ड का। ये कौन से चेकरबोर्ड सर? ये ब्लड ईगल चेकरबोर्ड। ब्लड ईगल बहुत मस्त है। साइज क्या मेरा सर? 2.9 इंच का साइज। बहुत मस्त। ये अवेलेबल फॉर सेल? हाँ अवेलेबल फॉर सेल है सेल के लिए। जी जी। और जैसे मैंने आपको बताया था हैकल क्रॉस का जो मेरे पास लॉट है उसमें से ये है, सब मैंने सॉर्टिंग किया मेरे पास 5-6 टाइम के उसके। ओके ओके बहुत मस्त है। एक्चुअली बॉटम के टाइप में है ना? हाँ थोड़े ढक जाते हैं ना। तो अब शेप देख लो। जी जी माशाल्लाह शेप बहुत मस्त। वो जो चैंपियन हैकल जीता था उसकी हैकल जो मेल जीता था वो मेल है और फीमेल की रॉयल फ्लोरा लगा है। रॉयल फ्लोरा। ओके ओके आपको दिखने जा रही शेप इसका। शेप मस्त है यार बहुत मस्त है। आपकी रेजिंग की मेहनत इसमें मालूम पड़ती है सर। और अभी रेजिंग के पीछे और एक जेल है मेरे साथ, मैं इंट्रोड्यूस करूंगा बाद में उसको। जी लास्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे। जी ये भी एक दूसरा बैच है लूसी रेड्स का। लूसी रेड्स जी थोड़ा सा डर जाता है। जनरली कोई आता नहीं है ना। जी 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 तो ये वही साइज है ना 2.5। हाँ ये इसमें 3 इंच तक भी है थोड़ा बहुत। ओके 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 सब सॉर्टिंग ग्रीडिंग में ही करता हूँ उसका। नेक्स्ट ये वाला भी वही बैच है जो मैंने आपको बताया हैकल क्रॉस के साथ का। अच्छा ये एक साइज बड़ा है ना सर? हाँ इसमें क्या मैंने एक्चुअली 2 बैच लिए थे। ओके तो मैंने वो सेपरेट अलग अलग करके रखे हुए। सुपर। और ये उसके पहले का बैच है, ये एक्चुअली मैंने रखा है ब्रीड के लिए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। हाँ। जेनेटिक्स पे मेहनत करने से जी, 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 जी सर मेरा सबसे बड़ा एग्जांपल यही है। मैं एक आधा पीस जो आइका से आउटपुट आया था मेरे को वो रेड कवर आया। ओके आइका आया नहीं है बट ये साल हम ट्राई कर रहे हैं आइका के लिए। जी जी सर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब बच्चे कवर करेंगे तो आइका के बैंड के साथ कवर करेंगे इंशाल्लाह। ये सर ये अगेन चेकरबोर्ड। ओके आई बॉडी पर पांडा पांडा चेकरबोर्ड जी 2.5 बाहर से सोर्स किया हुआ है अपना खुद का ब्रीड नहीं है बट जी थोड़ा लिया था जब थोड़ी बुरी हालत में थे बट अभी थोड़ा कंडीशन हो रहे हैं और ये रिसेंटली एक 15-20 दिन पहले ही लिए हुए तो क्वारंटाइन से अभी शिफ्ट हुए हैं पर तो ये अवेलेबल हो जाएंगे सर सेल के लिए ये 2.5 इंच के बाद। एक्चुअली देखना है इसमें क्या है क्योंकि ये जो हैकल क्रॉस वगैरह भी मैंने बताया मैंने होल्ड इसीलिए किया कि वो क्या निकल रहा है मुझे बताकर देना। बिल्कुल बिल्कुल तो वहां पे ये भी वही है जी उसके बाद का बैच है। ओके 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 वो अपना स्टाइल। नेक्स्ट सर आइए और बच्चे देखते हैं। ये हाई बॉडी में चेकर बोर्ड है हाई बॉडी के बच्चे हैं या रिटेलिंग भी है ना। हाँ तो रिटेलिंग में चाहिए तो भी मिल जाएंगे 4 पीस 6 पीस ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया लेकिन ज्यादा क्वांटिटी रहेगी तो पार्सल में वो फॉरवर्ड था 2-4 बच्ची के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत महंगा पड़ जाता। जी जी वाला वही फ्लोरा का उसके बाद वाला
वाला जो आपको पता है क्रॉस विंडो फ्लोरा, मैं तो ऐसा फ्लोरा ही बेच रहा हूँ इसको, रॉयल फ्लोरा। ओके, कुछ पैटर्न वाइज सिलेक्ट करके सेपरेट किया। इसके बाद में यहाँ पर ये थोड़े असॉर्टेड है, इसमें चेकर बोर्ड और लूसी रेड आएंगे। ओके, साइज के हिसाब से जो लास्ट में बोलते ना रह जाते वो अलग किए हुए, लेकिन वो भी अच्छी साइज ले लिया इन्होंने बीच के लिए। ऑलमोस्ट 2 इंच हो गए सर। हाँ, 2 इंच हो गया ऑलमोस्ट। जी, मेरा वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है लूसी रेड का, बहुत मस्त है। इनका नेचुरली है ना सर कलर फिट्स चालू है। एक फीट नहीं दिया, मैं कंटिन्यू नहीं देता हूँ। जी, एक फीट दिया हुआ है, बाकी नेचुरल है। एक फीट बोलेंगे तो अभी लाइक मैं 1 kg में लाइक 2 ग्राम ऐड कर रहा हूँ बस। ओके। और वो वीकली बोलेंगे ना तो वीक में जैसे एक दिन अगर मैंने वो दिया, एक दिन में मॉर्निंग में एक फीट दिया तो उसके बाद नॉर्मल फीट ही रहेगी। ओके, तो हफ्ते में 2 बार ऐसा खिला दिया बस हो जाता है। ओके, ज्यादा कलर देना भी लाइक मैं बिलीव कर रहा हूँ ब्रीडर है, हम लोगों को उतना जरूरत नहीं है उसको कलर करके करना। लोग जो बाकी बहुत रेजर होते हैं, बड़ी करते हैं मच्छियों, उनको उस चीज की जरूरत पड़ती है। और अपने पास जैसे लोग ये भी बोलते हैं कि कलर देने से मच्छियों में ब्रीडिंग में इशू होता है, तो सबसे पहले ये चीज के ऊपर गौर करना जरूरी है कि हम प्रोडक्ट क्या यूज कर रहे हैं। ओके, क्योंकि मेरे यहाँ मेरी फील्ड में जो भी प्रोडक्ट यूज होते हैं वो मोस्टली OSI के हैं। ओके, और जो कैरोफिल भी मैं यूज करता हूँ दैट इज फ्रॉम जर्मनी। ओके, मैं लोकल कुछ भी यूज नहीं करता हूँ मेरे फिशेस के लिए। और मेडिसिन के ऊपर भी मेरा कुछ ना कुछ रिसर्च चलता रहता है, किसी डिवर्मिंग में रिजल्ट है किससे नहीं है, मच्छी को किससे डेवलपमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा, मच्छी को मेरे फिशेस की आप कंडीशन देख कर ही आइडिया लगा सकते हो। बिल्कुल, जो भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, जो भी उनके मैंने रेजिंग में फूड यूज किया है या जो कुछ भी है। यहाँ पर भी एक चेकर बोर्ड गई, एक्चुअली थोड़ा थोड़ा रखा हुआ है क्योंकि देने के बाद में कुछ कुछ पीसेस ही बच गए। जी, अब इनको फिर से साइजेस जो भी सॉर्टिंग करके फिर इनको मिलाना है। ओके, ये भी उसी का बैच है जो मैंने आपको बताया, रॉयल फ्लोरा हैकल क्रॉस मेल का, ये सारा हाइफिन बोल सकते हैं। जी, 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 पूरा इसमें कुछ 2-4 पीस रेड कवर वाले होंगे। ओके, तो बैक में निकल जाओ। हाँ, ये भी वही है भाई। काफी बड़े हुए शेप साइज, और उतना ज्यादा कोई कलर फीड वगैरह भी नहीं किया हुआ है, नॉर्मली किया तो इतना पैटर्न शेप। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, शेप आपके जैसे कोई नहीं पकड़ने, ऐसा नहीं है, मार्केट में बनाने वाले बहुत है। जी, मेहनत शेप बनने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है। मेहनत करेंगे तो जरूर बनता है। जी, ये साइज में ये शेप काफी मतलब मच्छी को यूनिफॉर्म रखो, साइजेस टाइम से सॉर्टिंग करो, ग्रेडिंग करो, आपको जरूर उसके अंदर रिजल्ट मिलेगा। जी बिल्कुल। और कोई भी चीज मतलब ऐसा है ना कि फिशेस को फेंको मत, जैसे मच्छी खराब हो गया था, स्लिपरी वगैरह है, वो नहीं रिकवर हो पाता है, आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। ओके, अदरवाइज जैसे जो मच्छी आपको लगता है कि ये मच्छी सही नहीं है ब्रीडिंग वर्ड में, थोड़ा अलग एक टैंक उसको लगेगा, खाली आप एक अलग टैंक में रख दो। एग्जाम्पल आपने वो मेरा टैंक एक देख लिया जो मैंने दिखा, वो मेरा लास्ट का बचा हुआ जैसा रह जाता है ना, बहुत छोटा छोटा, तो वो मैंने एक साथ डाल दिया। जी, लेकिन उसमें भी हर मच्छी ने साइज लिया है, कोई खराब नहीं हुआ। मैं आपको भी दूसरा टैंक दिखाऊंगा, वो भी वैसा है, उसमें मिक्स लॉट है, उसके अंदर एक आधा पीस अल्बिनो रेड कवर का पड़ा हुआ है, कुछ चेकर बोर्ड है, रेड कवर है, वो जो बच गया ना मैं फेंका नहीं, जो छोटे रह गए थे मैंने डाल दिया, और लाइक वो एक बहुत अच्छी सडन एक साइज पे ग्रो हो गए। जी, आप देख सकते हो इसके अंदर, और कोई शेप खराब है या ऐसा कोई डिफॉर्मिटी है नहीं, ऐसा कोई भी पीस नहीं। जो लोग इसमें से भी सॉर्टिंग कर दूंगा। ओके, मेरे पास टैंक में जगह हो गई है ना, तो इसमें से भी जो बड़े पीसेज है उनको सेपरेट कर दूंगा। जी सर, छोटों को अलग कर दूंगा, उसमें एक पीस मेरा एल्बिनो रेड कवर है वो पीछे। ओके, कोई मेरा सोर्स किया हुआ था, मैं अपना घर का नहीं है। ओके, इसमें डाल दिया। नेक्स्ट सर, ये आपके प्राइस पोजीशन व्हाइट बटरफ्लाई, ये सुपर व्हाइट बटरफ्लाई है। जी जी, ये मैंने रेस पीएल वाया है जो है ना, पीएल वाया से लिया हुआ है। हाँ, लाइक यू कैन सी उनका व्हाइटनेस जो है, ये क्लैरिटी जो है, टू बी ऑनेस्ट मैं सर, जब हम लोग ने लास्ट वीडियो निकाला था और इसमें जब भी कवर किए थे, ऑलमोस्ट 10-15 वीडियोस ने मुझे कॉन्टेक्ट किया था कि फादर भाई वो सेल कर गए क्या। नहीं, मुझे भी बहुत सी इंक्वायरी आई, और प्राइजेस तो लाइक
ऐसा था कि आपको जो प्राइस चाहिए आप वो ले लो, लेकिन मैंने वो इंटेंशन से इम्पोर्टिंग ही किया था। जी जी जी। ये एक्चुअली मेरे कलेक्शन के लिए मैंने लाया था 3 इंच के साइज पे। ओके ओके। और उसमें से पैर हो रहा है, मैंने ऑलरेडी 2 पैर सेपरेट किया है। मैं आपको मेरा फिटिंग सेटअप भी दिखाऊंगा। जी जी सर। 2 पैर मैंने सेपरेट किया है और अभी तो बारिश शुरू हुई है, तो इसमें से इंशाल्लाह 1 से 2 और निकल जाना चाहिए पैर। बच्चे जरूर दूंगा बट 2 इंच के बाद, उससे पहले नहीं। ये सर, ये भी एक बहुत मेरे यहाँ का रिजल्ट है भाई, वर्टिकल टाइगर्स का। वर्टिकल टाइगर्स पैटर्न देख लो आप, बहुत मस्त, बहुत मस्त है। क्या पैटर्न है यार, वही 2 इंच साइज का, 2.5-3 इंच का साइज है, बहुत मस्त है। प्रॉपर वर्टिकल बोलते हैं ना, देखो भले आप पूरी बॉडी में नहीं है, हाँ, बट ऑलमोस्ट नियर अबाउट 40-50% और मैक्सिमम पीसेस के ऊपर तो कुछ कुछ तो पूरी बॉडी के ऊपर भी आप पैटर्न देख सकते हैं। जी जी जी। प्रॉपर वर्टिकल जा रहा है। जी सर जी। ये भी मेरा लाइन क्रॉस का रिजल्ट है। इसमें मैंने जो मेल यूज किया है वो आईपी का है। ओके। और जो फीमेल यूज की है वो लॉरेंस सोल की है। सर ब्रीडिंग सेटअप भी देखेंगे आज। देखेंगे, मैं पैर भी दिखा दूंगा। जी जी जी। ये सर, ये भी वही वाला है जो हैंकल क्रॉस का मैंने आपको बताया ना। हाँ, थोड़ा सा डर गया। जी जी जी। ये भी अवेलेबल कौन से? हाँ, ये सारा जितना ये 3-3.5 इंच आराम से, जी 3-3 इंच है।